इसमें ऐड करना है गरम ऑयल। गाइस अब केमिकल रिएक्शन। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा सालन एकदम अच्छे से पक चुका है। अभी फिलहाल बारी आती है इसको टेस्ट करने की। सो लेट्स सी हमारा सालन कैसा पका है। आज तक मेरे को कभी नहीं आया ये ढक्कन बंद करना प्रेशर कुकर में। तो ये कर बंद पड़ा कर बात ही नहीं है। तो यहाँ पे करते हैं बिस्मिल्लाह। एंड यहाँ पे जो ही मैंने पहला निवाला खाया, कसम से गाइस सालन में इतना ज़्यादा मज़ा है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और सब अच्छे से होंगे। एंड स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। एक्चुअली ब्लॉग नहीं, फूड ब्लॉग। आज का जो स्पेशल होने वाला है वो तो वैसे भी आपने टाइटल और थंबनेल से देख ही लिया होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं। आज घर में बनने वाली है कश्मीरी स्पेशल यखनी, जो कि ऑब्वियसली आइडिया तो मेरा था मम्मा को बोलने का कि चलो आज यखनी बनाएंगे। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है ब्लॉग में। एंड तक बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना। लो अभी फिलहाल चलते हैं मार्केट में, कोलाना है वहां से दही। बाकी मीट वगैरह तो ऑलरेडी पापा ने कल ला के रखा था। रही चाबी, दे दो लोटा। चलो बिस्मिल्लाह। बाय द वे स्कूटी का ये टूट गया लास्ट टाइम वाइजर, कुछ दिनों बाद अब चेंज कराएंगे फिर नया लगाएंगे इसको। Let's go guys. Okay guys, चलते हैं सीधा दूध वाले के पास, वहां से लाते हैं दही एंड बनाते हैं अपनी स्पेशल यखनी। तभी से मुंह में पानी आ रहा है उसके बारे में सोच के। चलो हेलो हेलो ना ना कुछ जूली बिन तेरे किटदा कुछ जूली प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जान दूदी दिया। चलिए इसको नीचे ही रखते हैं हम। ओके ओके गाइस, अभी फिलहाल हमें और कुछ नहीं लाना है, चलते हैं सीधा घर की तरफ एंड करते हैं स्टार्ट अपनी रेसिपी। चलो ओके गाइस, बैक टू द होम। चलो चले अंदर। रेड वाज गो दूध। ओके गाइस, अभी फिलहाल करते हैं अपना काम स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मीट, जो कि रहा ये, इतना काफी है इसके लिए। एंड सबसे पहला काम इसको करना है अकेश करूं तो गोडने छत आप ट्राउन टाइम पछि ग्रकनाउन छ पाक शुद्र सॉरी पाक शूज दून। एंड उसके बाद मसाला वगैरह जो भी ऐड कर रहा हूँ वो आप आगे देख लेना। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले इंडक्शन करते हैं ऑन, ये चला गया पावर। ये रहा मीट जो कि रखते हैं इस पे गर्म पानी। वही वार हो रहा है। ओह ओह बिस्मिल्लाह करके इस सो रहे ना थोड़ी बिस्मिल्लाह। एक सेकेंड भाई नहीं जो काफी है। ओके इतना काफी है। मसालों के डिब्बे, जिंजर पाउडर, मिक्स मसाला, ठीक है समझ गया। अब ये इलायची अदरक वगैरह क्या है, ये इम बड़े ऑल छह जवान ऑल कम गए थे लक्ष्य ऑल जवान ऑल बड़े ऑल, इसको बड़े ऑल क्यों कहते हैं? जाइए। तो ये चला गया जी नमक। तो इसके बाद बारी आती है रोहन या गार्लिक शोनाइस, सॉरी गार्लिक की या रोहन छे इसमें मैं उल्टा बोल रहा हूँ। ये चले गए जी रोहन भी इसमें गार्लिक आई मीन, क्योंकि अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रखने हैं उबालने के लिए, पकाना है सॉरी। शायद बंद करूँ था मैं, तक ये बंद करूँ मैंने तो आज तक नहीं जहाँ आज तक मेरे को कभी नहीं आया ये ढक्कन बंद करना प्रेशर कुकर में। तो ये कर बंद इस पर आसान करूँ, ये बात ही नहीं है काटने पर। हेलो करियो करियो बंद करियो बंद। ओके गाइस, अभी फिलहाल इसको रखना है इसी पे जब तक ये सॉफ्ट हो जाएगा नरम हो जाएगा, क्योंकि अभी ये हार्ड है आधे घंटे के लिए। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ये हम बना रहे हैं जी डिनर के लिए, क्योंकि
क्योंकि लंच में तो ये तैयार होगा नहीं, अभी फिलहाल दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, तो अभी ये तैयार कर रहे हैं, तो शाम को खाएंगे इसको अच्छे तरह से। अभी भी इसको अभी और टाइम लगेगा, अभी इसको और रखना है। वेल गाइस, जब तक हमारे मटन का काम हो जाएगा तब तक हम उबालेंगे दूध, क्योंकि इसमें अभी दूध भी ऐड करना है। सो सेटिस्फाइंग। ये हथियार हो गया फेल, अभी हथियार नंबर 2 जो कि है ये, अभी रखते हैं इसको इस पे। ओके, दूध के साथ कुछ इस टाइप का हमें करना है मूवमेंट। तो ये उबल रहा है जी हमारा दूध एकदम अच्छे से, अब इसको थोड़ा सा गाढ़ा करते हैं। इस दूध हो चुका है पूरा रेडी, अभी बारी आती है मीट की जो कि मेन है, दूध फिलहाल रखते हैं साइड में। अब गाइस गेस व्हाट, अच्छे से सालन बना रहे थे और बीच में ही मामा को आ गया ऑफिस की तरफ से कॉल, उसको ऑफिस का थोड़ा सा काम पड़ गया, अभी फिलहाल वो वही निपटा रही है, इसलिए मैं आ गया बाहर बैठने के लिए। फिलहाल मामा ने बोला 1 घंटा वेट करने के लिए, लेट्स सी कितना टाइम लगेगा उसको। 1 eternity later. ओके गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 एंड अभी जाके हम लोग बाकी का काम पूरा करने वाले हैं, तब से लगातार बिजी 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 डाली। ओके कैमरा, ओके जी हो गया जी हमारा ये कंप्लीट, अभी बस इसके साथ कुछ नहीं करना है, क्या शक करूँ ग्राहक दिन बस, और ये डालना है पुदीना। बस मगर ज़्यादा ऐड करना है गरम ऑयल, बस अब केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे होती है हमारी कश्मीरी स्पेशल यखनी तैयार, अभी बस टाइम है इसको खाने का जो कि अभी भी है कम 2.5-3 घंटे है अभी हमारे डिनर में, तो आपसे हम सीधा अभी तभी मिलते हैं जब हम इसको टेस्ट करेंगे खाएंगे। ओके लाइट यहाँ की तरफ क्योंकि अभी बाहर से अंधेरा है। ओके गाइज, तो अभी आता है जी टाइम हमारे डिनर करने का, तो जैसा कि मैंने आपको बोला पापा भी इधर पे हैं, तो मैं व्लॉग में ऐसे तो नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है, तो कीजिए आप लोग व्लॉग एंजॉय, हम खाते हैं खाना विद यखनी। ओके सबसे पहले इसको देते हैं खाना, कैसा है बब, ये तो एटीट्यूड दिखा रहा है। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमारा सालन एकदम अच्छे से पक चुका है, अभी फिलहाल बारी आती है इसको टेस्ट करने की, सो लेट्स सी हमारा सालन कैसा पका है। तो यहाँ पे करते हैं बिस्मिल्लाह, एंड यहाँ पे जो ही मैंने पहला निवाला खाया कसम से गाइज सालन में इतना ज़्यादा मज़ा है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, एंड आप लोगों को क्या ही बोलना है यखनी के रिलेटेड, वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है खाने में। ओके गाइज, तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, तो अभी जाके मैं सुबह एंडिंग शूट कर रहा हूँ, कल शाम को व्लॉग मैंने पूरा एडिट कर लिया, अब बस एंडिंग बची थी जो कि मैं अभी शूट कर रहा हूँ, एंड कसम से खाने में इतना ज्यादा मजा आया कल की। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, ठीक है गाइज, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, फॉलो कर लो जल्दी से वहां पे बहुत ज्यादा फनी रील्स मैं अपलोड करता हूँ जिसको आपको देख के बहुत ज्यादा मजा आएगा। एनीवेज, अभी फिलहाल इस वाले व्लॉग के लिए हम इतना ही रखते हैं, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।